हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं भी बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे आप लोग हमेशा करते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो गाइज, ये ना मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैं सब्जी काटने की तैयारी कर रही हूँ। और अनमोल को देखो, वो मतलब बोलता है मम्मा मैं सलमान खान हूँ, तो अपनी शर्ट के बटन खोल के ना एक्टिंग करता रहता है। और यहाँ पे वो पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई क्या कर रहा था, मतलब नाटक सा करता रहता है, उसको लिखेगा फिर मिटाएगा। तो पता है, मैंने अभी अभी प्याज काटी है तो मेरी आंखों में देखो आंसू भी आ गए। पहली बार मेरे मतलब जब मैं प्याज वगैरह ऐसी कोई चीज़ काटती हूँ ना, तो मेरी आंखों में ना आंसू आ ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। और मैंने बहुतों को देखा है, बहुत ऐसे ही काट देते हैं, मैं जब भी काटने बैठती हूँ जब भी आंसू आ जाते हैं। एंड यहाँ देखिए, हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। बस हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। धनिया डालने से ना सब्जी का जो लुक टेस्ट है वो दोनों चीज़ बदल जाती हैं। तो यहाँ धनिया भी डल चुका है। तो उसके बाद ना मैं ये सोफ़े के कवर आज चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इनको वॉश करना है। तो फिर आज मैंने सोच ही लिया कि उनको उतार देती हूँ एंड दूसरे वाले चढ़ाऊँगी। तो इधर मैंने इनको डाल दिया है बाद में। मैं पहले है ना ऐसे ही नहीं धोती हूँ, मतलब सर्फ में गला के रख देती हूँ, तो इससे मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ अनमोल बैठ के नमकीन खा रहा था, उसने नमकीन खा ली। वही नींद से उठ के आ गया पीपी की वजह से। देखा, आँख दिखाओ, आईज दिखाओ, देखो जी नींद में था। ये पंखा के चला दो, अनमोल आके खेलना पहले जाओ। चलो अनमोल, यहीं रख दो, टेबल पे रख जाओ। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं मार्केट, तो अनमोल को ना टेलर के पास कुछ काम था और कुछ मार्केट में भी काम है। तो गाइस, अभी मुझे लग रही है थोड़ी छोटी छोटी वाली सी भूख, तो मैं लेने आई हूँ यहाँ फ्रूट्स। तो मेरा मन कर रहा है ग्रेप्स खाने का। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं फ्रूट्स, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। ये लोग आ गए हैं, गेट खोल देते हैं, उसे आते कह नहीं ना, हमने ट्रैक्टर पे टूटेगा वो। जल्दी आ जा लाडो, ट्रैक्टर तो खो गया। है अनमोल, खाओगे ग्रिप्स खाओगे? अनमोल तो अपने न्यू ट्रैक्टर में बिजी है ना। तो अनमोल का ट्रैक्टर आ गया है तो उसमें बिजी हो गया है। तो यहाँ पे मैं ग्रेप्स खा रही हूँ और अनमोल अपने ट्रैक्टर पे लगा हुआ है, उसे ट्रैक्टर का इतना शौकीन है वो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, इतने सारे कपड़े तय बनाने के लिए रखे थे, मैंने सोचा मैं इनकी ना प्रेस भी साथ के साथ कर लेती हूँ, फिर ना मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने इनको तय बना के ही रख दिया। मैंने कहा फिर बाद में करूँगी, दूसरे दिन या तीसरे दिन, क्योंकि ये कपड़े देखो रोज़ हो जाते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं रोज़, क्योंकि सबके दो दो जोड़ी निकलते हैं। तो यहाँ पे ना हम बहुत दिन से ना गर्म बेड शीट बिछा रहे थे बेड पे, तो अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। तो मैं अनमोल को बोल रही थी, मैंने कहा अनमोल अब इस बेड शीट को ना चेंज कर देते हैं, वॉश करके रख देंगे। तो ये कुछ कपड़े वूलन्स के भी हमारे रह गए थे, क्योंकि अभी मौसम ना थोड़ा ऐसे ही था, तो अब किसी को ज़रूरत नहीं होती वूलन्स के कपड़े पहनने की। तो हम जो दो चार हमारे जोड़ी ऐसे रह गए थे, उनको हम अब पैक करके रख देंगे। वैसे तो सारे वूलन के कपड़े ना मैंने पहले ही सेट करके बेड में लगा दिए हैं, तो ये बस दो तीन रह गए थे, इनको भी अब धो के वॉश करके लगा देंगे। तो इस बेडशीट को भी चेंज करना है, क्योंकि ऊपर से नीचे से भी गर्म, ऊपर से भी गर्म, तो इसलिए ना काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कभी कभी ना, गर्मी सी लगती है। लेकिन अभी मौसम ऐसा है नहीं कि फ़ैन चलाओ, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि ये कॉटन वाली बेडशीट है इसको बिछा देती हूँ। और आप मेरा प्रोटेक्टर देखते होंगे हमेशा, मैंने उस टाइम इसको भी हटा रखा है। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बिल्कुल मत। अरे यार, करना ज़रूरी है, हम ये सोच रहे थे, सुनो तो, इधर देखो ना पहले, जो ये हमारे पिलो है, ये जो हमारे सोफ़ा है, इनके लिए जो पिलो आते हैं ना, वो वाले ऑर्डर कर दो ना, मंगा लो ना अनमोल पापा प्लीज़। सोफ़ा के लिए पिलो, पिलो आते हैं वो तिकोने, क्या बोलते हैं उनको, कुशन। कुशन अलग होता है, पिलो अलग होता है। कुशन अलग कुशन बोलते हैं ना, पिलो बोलते हैं उनको, बोलते हैं मसंद। तो मुझे पता था, बस मैं इनको हंसाना चाह रही थी, क्योंकि ये कल से मेरे से गुस्सा चल रहा है ना, ये मेरे से ज़्यादा देर गुस्से नहीं हो पाते। तो यहाँ पे आज कर रही हूँ मैं अपने कान्हा जी का, अपनी मैया रानी का घर साफ, यानी मंदिर को साफ क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि देखिए होली आ रही है, तो पूरे घर की जब हम क्लीनिंग करते हैं तो मंदिर को भी साफ़ करना बनता है। तो मैं जब भी मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो जो भी इसमें मूर्ति वगैरह होती है इस तरह से कपड़ा डाल के रख लेती हूँ। और अनमोल को बड़ा शौक रहता है, वो मेरे किसी भी काम में साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा मेरे साथ साथ लगा रहता है।
तो यहाँ पे मैंने आगे पीछे से चारों तरफ से ना इसमें मतलब कपड़ा मार दिया है, और छोटी सी बहुत छोटे छोटे से कॉकरोच हैं, क्योंकि लकड़ी के सामान में ना ज़्यादातर वो छोटे छोटे से कॉकरोच निकल ही आते हैं। तो आज मैंने ये येलो वाला कपड़ा इसमें डाला है, मैं पहले ना जब चौकी वाला मंदिर था तब डाल के रखती थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसको डाल देती हूँ। और सारी तस्वीरों पर इस तरह से कपड़ा मार के, और जो भी चुन्नी दुपट्टे इनके पहले ही रखे हुए हैं उन सबको मैंने उतार दिया है, दूसरी लगाऊँगी, ये सब मैं वॉश करूँगी। और देखिए अनमोल अपनी छेड़ा खाने में हमेशा लगा रहता है, वो हर इन चीज़ों में ना नंबर वन रहता है। पहले ये लड़का ऐसे नहीं था, हर बात को कहने से मान जाता था, लेकिन अब तो ना बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा मम्मा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करूँ, मैं भी लगाऊंगा वो भी करूँगा, मतलब उसको होता है ना बच्चों को, क्योंकि देखिए कहीं स्कूल जाता है, स्कूल से फिर आके सो जाता है, तो बच्चे कहीं जा तो पाते नहीं हैं, तो बस मम्मी पापा के साथ ही ये काम करवाना है वो काम करवाना है। तो उसने बहुत देर तक कान्हा जी की सेवा की, कान्हा जी को झुलाया, और काफ़ी परेशान भी करता है सही बताऊँ तो। तो गाइस चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक कर देना, देखो लाइक कर देना, फिर नहीं तो मेरी लड़ाई हो जाएगी आपसे। नहीं मैं कोई लड़ाई नहीं करूँगी आपसे, आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूँगी, एंड प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।